स्टूडेंट्स, वेलकम और वेलकम बैक टू माई चैनल। तो आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वुमेन माइटोसिस। इससे पहले हम सेल डिवीजन का बेसिक समझ चुके हैं। अगर आपने मेरे शॉर्ट्स देखे हैं तो उसमें आपने माइटोसिस को ब्रीफली जरूर समझा होगा। मैं आपको वो उसका लिंक कॉमेंट सेक्शन में प्रोवाइड कर दूँगी। अब बात करते हैं माइटोसिस की। माइटोसिस को हम इक्वेशनल डिवीजन भी कहते हैं। क्यों कहते हैं वो मैं आपको बता चुकी हूँ। सेल अंडरगो डिवीजन व्हेन इट कम्स टू अ सर्टेन साइज। क्या होता है, जब कोई भी सेल एक स्पेसिफिक साइज में पहुँच जाती है तब वो डिवीजन करती है। ऐसा नहीं है कि न्यू सेल डेवलप हुई और तुरंत वो डिवीजन करने लगेगी। ऐसा तो ट्यूमर के केस में होता है कि सेल रैपिडली डिवीजन कर रही है, बट नॉर्मल केस में क्या होता है कि सेल जब एक स्पेसिफिक साइज पर पहुँच जाती है तब ही वो डिवीजन करती है। बिकॉज न्यूक्लियस कैन नॉट मेंटेन वर्किंग ऑफ सेल मशीनरी। क्योंकि हमेशा एक न्यूक्लियस अच्छे से काम नहीं करेगा, वो डिवीजन ज़रूर करेगा। ठीक है, माइटोसिस हमारा पांच फेज, बेसिकली तो चार फेज होते हैं बट हम इंटरफेज को मानते नहीं हैं, बट स्टिल हमारे पांच फेज होते हैं। इंटरफेज को हटा के चार फेज होते हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज। ठीक है, प्रोफेज, क्रोमैटिन गेट्स सुपर कॉइल। अब स्टार्टिंग में क्या होता है, हमारे जो क्रोमैटिन फाइबर्स होते हैं क्रोमोसोम में, वो बहुत ज़्यादा कॉइल्स फॉर्म में होते हैं। ठीक है, अब वो हल्के हल्के क्या होते हैं, कंडेंस होते हैं और क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर डेवलप होता है। जो होमोलोगस क्रोमोसोम होते हैं, मतलब सेम टाइप के क्रोमोसोम्स होते हैं, वापस में मिल जाते हैं। मैं डायग्राम के थ्रू आपको समझाती हूँ। देखिए पहले क्या होता है, जो हमारा क्रोमोसोम है, रुकिए, ये हमारा सेल है। ठीक, अब यहाँ पे क्या होगा, पहले क्रोमोसोम कैसे होगा, एक कॉइल स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, ऐसा जैसे हेयर्स का बन जाता है ना, गुच्छा जैसा, वैसा एक कॉइल स्ट्रक्चर होता है। बट प्रोफेज में हल्के हल्के क्या होता है कि जो कॉइल स्ट्रक्चर है वो क्रोमोसोम्स का शेप लेने लगता है और क्रोमोसोम्स डेवलप हो जाते हैं। ठीक है, ऐसे क्रोमोसोम्स बन जाएंगे। कौन से फेज में होता है, ये प्रोफेज में होगा। इस डायग्राम में आप समझ जाएंगे कि पहले क्या होंगे, क्रोमैटिन फाइबर्स बहुत ज़्यादा कॉइल होंगे, फिर हल्के हल्के क्या होगा, क्रोमैटिन फाइबर कंडेंस होंगे, थिक क्रोमैटिन बनेंगे और फिर क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर बन जाएगा। यहाँ पे हमें सेंट्रियोल्स भी मिलेंगे। ठीक है, यही सेंट्रियोल्स आगे चल के स्पिंडल फाइबर बनाते हैं। अब माइटोसिस में क्या होते हैं, जो सेंट्रियोल्स थे वो स्पिंडल फाइबर्स जनरेट करते हैं। ठीक है, जो क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर होता है उसका सेंटर पार्ट को हम कहते हैं सेंट्रोमियर। ये देखिए, ठीक है, ये एक सिंपल क्रोमोसोम है जो ये एक पार्ट पे डिवाइड हो सकता है। इनको, इसको एक कहते हैं सिस्टर, सिस्टर क्रोमैटिड, इसकी सिस्टर ये, मतलब ये दोनों क्या हैं, सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं। जो ये बीच में पॉइंट ऑफ अटैचमेंट है, मतलब कि एक तो ये हो गया और एक ये है, ये आपस में जब मिलेंगे तो कौन से पॉइंट पर मिलेंगे, हमारा सेंट्रोमियर पे। ठीक है, तो मेटास्फेज में क्या होता है कि जो सेंट्रोमियर है वो जाके स्पिंडल फाइबर में जाके अटैच हो जाता है और स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में आ जाता है। क्रोमोसोम्स अलाइन इन द सेंटर, सेंटर में जाके अलाइन होंगे बाय द हेल्प ऑफ सेंट्रोमियर ऑफ द स्पिंडल अटैच बाय द सेंट्रोमियर्स। ठीक है, डायग्राम अच्छे से देखिएगा, ये सेंट्रियोल्स हैं, यहाँ से स्पिंडल फाइबर्स निकलेंगे। जो क्रोमोसोम का सेंट्रोमियर है वो स्पिंडल पे जाके अटैच हो जाएगा और इसके सेंटर में जाके अटैच होगा। ऐसे नहीं कि आधे इधर हैं आधे इधर हैं, एक सेंटर लाइन में ये लोग अटैच होंगे। बात करते हैं एनाफेज का। सेंट्रोमियर सेपरेट डिवाइडिंग क्रोमोसोम इनटू सिस्टर क्रोमैटिड्स। अब जो सेंट्रोमियर्स था वो डिवाइड होगा। देखिए पहले क्या हुआ था, हमारा जो क्रोमैटिन फाइबर्स था उसका क्रोमोसोम बना। ठीक है, जब ये मेटाफेज में क्या हुआ, ये हमारा सेंटर में जाके अलाइन हो गया। अब एनाफेज में ये सिस्टर क्रोमैटिड्स डिवाइड हो जाएंगी, ये क्रोमोसोम डिवाइड हो जाएगा सिस्टर क्रोमैटिड्स में। तो एक सिस्टर क्रोमैटिड इस तरफ चली जाएगी और दूसरी कहाँ चली जाएगी, इस तरफ। ठीक है, तो एनाफेज में क्या होता है, हमारी सिस्टर क्रोमैटिड्स सेपरेट्स हो जाती हैं। सेंट्रोमियर सेपरेट डिवाइडिंग क्रोमोसोम्स इंटू सिस्टर क्रोमैटिड्स विच माइग्रेट टू ईच एंड, मतलब अपने अपने एंड की तरफ, मतलब जिस डायरेक्शन में वो प्रेजेंट है उसी एंड की तरफ वो चली जाएंगी। यानी कि इस वाले क्रोमोसोम में अगर देखा जाए तो ये इसका जो राइट वाला पार्ट है वो राइट साइड जाएगा और लेफ्ट वाला लेफ्ट साइड चला जाएगा। विच माइग्रेट टू ईच एंड ऑफ द स्पिंडल दैट इज टूवर्ड्स सेंट्रियोल, सेंट्रियोल के पास चला जाएगा।
टेलोफेज में क्या होगा, द माइटोटिक स्पिंडल डिसअपियर. अब जो माइटोटिक स्पिंडल फाइबर्स थे, जो ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर थे, वो डिसअपियर हो जाएंगे. क्रोमोसोम वापस से कॉइल स्ट्रक्चर में आ जाएगा. जो प्रोफेज में कॉइल था और फिर क्रोमोसोम बना था, अब ये फेज क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा. टेलोफेज में वो रिवर्स होगा, क्या होगा, क्रोमोसोम्स अनकॉइल होंगे और क्रोमैटिन फाइबर्स फिर से बनने लगेंगे. एंड न्यूक्लियर एनवलप रिफॉर्म्स, ये सब हो कहाँ रहा है, न्यूक्लियर एनवलप के अंदर. ठीक है, तो न्यूक्लियर एनवलप वापस से बनने लगेगा. अब क्या होगा, ये हल्के हल्के यहाँ पे ना फ्यूरो आएगा, तब खिंचाव होगा और ये दोनों सेपरेट हो जाएंगे. इसको कहते हैं हम साइटोकाइनेसिस. साइटोकाइनेसिस में क्या होता है, हमारा सेपरेशन ऑफ या फिर डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म इनटू टू. ये देखिए साइटोकाइनेसिस में क्या हो रहा है, डिवीजन ऑफ द साइटोप्लाज्म इनटू टू डॉटर सेल्स. इसमें साइटोसोल जो साइटोप्लाज्म है, ऑर्गेनल्स जितने भी ऑर्गेनल्स हैं जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, ईआर है, गॉल्जी है, लाइजोसोम्स है, वो सब डिवाइड होंगे. प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी डिवाइड हो जाएगी, स्प्लिट इनटू टू आइडेंटिकल डॉटर सेल्स. दो डॉटर सेल्स बन जाएंगी. अब इसको हम रिडक्शनल डिवीजन क्यों नहीं कहते हैं, इक्वेशनल क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें दोनों में सेम अमाउंट में प्रेजेंट होता है जितना पेरेंट्स में प्रेजेंट है. मतलब इसमें जितना अमाउंट होगा वही सेम पेरेंट्स में होगा, इसमें जितना होगा वही सेम पेरेंट में था. ठीक है, तो इसको हम कहते हैं इक्वेशनल डिवीजन. मियोसिस के केस में इसमें और इसमें हाफ होता है पेरेंट के कंपैरिजन में. ठीक है, मतलब पेरेंट में अगर कोई एग्जांपल लिया, पेरेंट्स के पास दो टॉफी हैं, तो वो दो बच्चों में क्या बांटेंगे, एक को दो दी दूसरे को भी दो दे दी. मतलब कहीं से परचेज करके लाए होंगे, मैं एग्जांपल की तरह बता रही हूँ. पर अगर चार बच्चे हैं तो क्या करेंगे, सबको आधी 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 दे देंगे, दो 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 नहीं देंगे या फिर एक 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 दे देंगे, क्योंकि दो तो खरीद ली उनने. ठीक है, समझने के लिए है, ऐसा इतना कोई टिपिकल टॉपिक है नहीं. तो इसमें क्या होगा, सारे साइटोसोल ऑर्गेनेल्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन स्प्लिट होंगे इनटू टू आइडेंटिकल डॉटर सेल्स और ये दोनों सेपरेट हो जाएंगे. इनमें इतना ही था हमारा माइटोसिस. मैं आपको एक फिगर दिखा देती हूँ, आप उसका रेफरेंस ले सकते हैं. देखिए प्रोफेज में क्रोमोसोम्स बन गए, फिर मेटाफेज जिसमें क्रोमोसोम्स का क्या हुआ, अलाइन हो गए सेंटर में, फिर एनाफेज जिसमें हमारे जो क्रोमोसोम्स थे वो सिस्टर क्रोमैटिड्स सेपरेट हो गए. फिर आता है टेलोफेज जिसमें न्यूक्लियर एनवलप डेवलप हो गई, जो हमारे सेंट्रियोल थे वो भी हल्के हल्के कम होने लगे, और फिर साइटोकाइनेसिस में दोनों सेपरेट हो गए आपस में. ठीक है, इस स्ट्रक्चर को आप रेफरेंस ले सकते हैं. यही था माइटोसिस. आपका माइटोसिस यहाँ पर कंप्लीट होता है. बहुत ही छोटा टॉपिक था, मैंने कोशिश करी है मैं जितना ईजी वे में आपको समझा पाऊँ उतने में समझाऊँ. नोट्स के लिए आप कमेंट डाउन कर सकते हैं, बाकी आप इसका भी स्क्रीनशॉट या बीच बीच में रोक के आप वीडियो के लिख सकते हैं और अच्छे से पढ़िएगा. वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा. कोई और टॉपिक समझना हो तो उसको कमेंट डाउन कमेंट करिएगा. ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग.